मेरे रॉकी को चोट पहुंचाए, मेरे रॉकी को। तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारे रॉकी को कोई चोट नहीं पहुंचाई, मैंने तो उसे जान से मार दिया है। तो आज तू मरेगा, मेरे हाथों मरेगा, मेरे जहर से मरेगा। तू नहीं जानता इस काली नागिन का जहर कितना जहरीला है, देख ले। गई काली नागिन भी गई। भक्तजनों, माता की ये चुनरी सुहाग की निशानी होती है। कहते हैं कि जब सुहागिने माँ दुर्गा को अपनी चुनरी चढ़ाती हैं, तो माता स्वयं उनके सुहाग की रक्षा करती हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं और सदैव उनकी जोड़ियाँ बनाए रखती हैं। और सबसे भाग्यशाली होती है वो सुहागन जिसके ऊपर माता की चुनरी लहराती है, माता स्वयं आकर उसे अपना आशीर्वाद देती है। तो आइए हम सब मिलकर माता की आरती करते हैं। माता शक्ति है, आदि शक्ति है, महिषासुर मर्दिनी है, सबका कल्याण करती है। तो भक्त जनों, सब मिलकर एक साथ जयकारा लगाते हैं। माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय, माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय। आइए आरती शुरू करते हैं। आज यहाँ माँ नहीं, मातम आएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वो तूफान आएगा जो सब कुछ जड़ से उखाड़ कर ले जाएगा, कोई नहीं बचेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज कोई माँ नहीं आएगी, कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इंसान, ना जानवर, ना भगवान। नहीं, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ये कौन है? ये शैतान है। माँ का मंदिर, माँ के नवरात्रि में ये शैतान आया है। माँ का मंदिर है पर यहाँ कोई माँ नहीं है, ये कलयुग है, यहाँ माँ नहीं आती। मैं आया हूँ।
ख्वाहिश। छोड़ दो मेरी माँ को। तुम इन मासूमों की जान क्यों ले रहे हो? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? मम्मा। छोड़ दूं या मार दूं, क्या करूं इसका? ये तो तुझे वो माँ ही बताएगी जिसके मंदिर में खड़ा होके तू उनके सच्चे भक्तों की जान ले रहा है। उस माँ की शक्ति से डर। उस शक्ति ने कितने ही राक्षसों का विनाश किया है, तो तू क्या चीज है? कौन माँ? मैं तुझे इस बच्ची को अनाथ नहीं करने दूंगी। इसकी माँ को तुझ जैसे राक्षस के हाथ नहीं मरने दूंगी। माँ को खोने का दर्द जो मैंने सहा है, वो इसे नहीं सहने दूंगी। माँ के बिना जिंदगी क्या होती है मैं जानती हूँ। तुझ जैसे शैतान को उसे ये जिंदगी नहीं देने दूंगी, नहीं देने दूंगी। चुप! मुझे तेरी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जा अपनी माँ के पास और उसके चरणों में गिर के बोल, बचा ले माँ, बचा ले। माँ आज मेरी तरह वो बेटी भी अनाथ हो जाएगी। उस माँ को बचा ले, एक बेटे के लिए एक माँ को बचा ले। उस शैतान से बचा ले, उस असुर से बचा ले। आज एक बार फिर तेरे मंदिर में एक असुर आया है, एक असुर ने तुझे ललकारा है। माँ आज तेरा नवराता है, कहते हैं भक्ति से पुकारो तो शक्ति आती है। जब जब महिषासुर आता है, तब तब देवी आती है, असुरों का विनाश करती है। तू भी आ जा माँ, आज तू भी आ जा। भाग गई, वही से डर कर भाग गई। कायर कहाँ है? अब क्यों डर गई? अब बुला अपनी माँ को, बुला। कहाँ भाग गई कायर? अब बुलाती क्यों नहीं? तेरी माँ बचाने नहीं आई तुझे? भाग गई। अरे कायर, बत्तियां क्यों बुझा दी? इतना डरती है महिषासुर से? कौन है? कौन है सामने आ? डरपोक अपना चेहरा दिखा। कौन है सामने आ मेरे? Thank you.
तो देवी आ ही गई, आ भी गई तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं महिषासुर हूं, यह है मेरा असली रूप, आधा मनुष्य और आधा राक्षस। तू होगी इन लोगों के लिए भगवान, लेकिन मुझे भी भगवान से वरदान मिला है। ना तो मुझे कोई मनुष्य मार सकता है और ना कोई जानवर। जब शैतान अपने वरदान से विनाश करता है तो उसका वरदान भी उसके लिए श्राप बन जाता है। भगवान बड़े भोले, जब तब करके शैतान भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है, जैसे रावण ने किया, जैसे महिषासुर ने किया। लेकिन जब जब असुरों ने अपने वरदान से विनाश किया है, उनका भी विनाश हुआ है। आज तेरा भी होगा। तू मेरा विनाश करेगी? तू मुझे नहीं मार सकती, मेरे पास शक्तियां हैं, महाशक्ति। तू अपार शक्तिशाली है, किंतु तेरे सामने स्वयं शक्ति है। ब्रह्मा के तेज से ब्रह्माणी, विष्णु के तेज से वैष्णवी, शिव की तेज से शिवानी। जब जब कोई महिषासुर आता है, तब तब आदि शक्ति स्वयं आती है। आज भी आई। कहा था ना मैंने तुझसे, मुझे तो भगवान भी नहीं मार सकता। तू क्या चीज है? शक्ति, आदि शक्ति, कहाँ है तेरी शक्ति? दिखा, दिखा अपनी शक्ति। अगर वो इतना शक्तिशाली है तो फिर वो अपना टूटा हुआ सिंह क्यों ढूंढ रहा है? उसका वो सिंह उसका विनाश कर सकता है। वो सिंह उसका विनाश कैसे कर सकता है? उसका सिंह, हाँ उसका वो सिंह, उसका उसका सिंह। क्या हुआ शिशा? किसे ढूंढ रही है? उस महेश को, उसने मुझ पे वार किया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी उसे मैं। शिशा,
शिवांगी आज तुमने अपना वचन निभाया है। नागमणि को वापस सुरक्षित उसके स्थान पर ले आई, ये काम तुम ही कर सकती थी। नागमणि को वापस सुरक्षित तुम ही ला सकती थी। अब यही नागमणि तुम्हारे पति की जान बचाएगी। नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, जान दे दूंगी पर तुम्हें मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। शिवांगी, हम यहाँ पंचनेर कैसे आए? मुझे नहीं पता, मुझे तुम यही मिले। मगर यहाँ कैसे आया? मैं लास्ट मुझे याद है कि मैं महेश, पता है शिवांगी, महेश और मेरे बीच में वो अच्छा लड़का नहीं है। इतनी घटिया सोच है उसकी औरतों को लेकर, वो हमें रुचिका को बताना होगा। वो रुचिका के लिए सही नहीं है, रुचिका को इस खतरे से बचाना होगा। हमें उसे, मैंने रुचिका से कह दिया है कि वो महेश से दूर रहे। मैंने देखा उसने तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई, मैंने उसी वक्त रुचिका को वार्न कर दिया था। उसने मुझे कहा कि वो जानती थी कि महेश कैसा है, उसे लग रहा था कि वो कुछ ऐसा ही करने वाला है, इसलिए उसने महेश के बारे में पुलिस कंप्लेंट कर दी है। तुम चिंता मत करो, अब वो उसकी और हमसे बहुत दूर रहेगा। काश रॉकी मेरी बात मान ले और महेश को भूल जाए। रॉकी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उसके साथ मत बैठो, उसके पास मत जाओ, फिर भी तुम उससे जाकर मिले। न जाने कौन सी सुख दुख की बातें कर रहे थे। I promise, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम मुझे कंपनी दोगी, राइट? पागल हो गए हो? अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम तो वैसे भी चढ़ी रहती हो। अब सातवें आसमान पे तुम्हारा गुस्सा चढ़ा रहता है, सातवें आसमान पे। जस्ट लुक एट इट, आंखें देखो तुम्हारी। एक तो वैसे भी तुम्हारी आंखें इतनी नशीली, ऊपर से अगर तुमने पी ली तो बाय गॉड मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। रियली तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते? नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ऐसे मौसम में, ऐसी जगह पर ऐसा लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर रही हो। शिवांगी, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। आई स्वेयर, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, अब ऐसे सॉरी मत बोलो, मुझे तुम्हारा ऐसे ख्याल रखना अच्छा लगता है। अगर मैडम की इजाजत हो तो घर चले। चले यहां से? नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि महेश कैसे मरा। उसे वरदान मिला था कि ना उसे कोई भगवान, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर मार सकता है, फिर इतना शक्तिशाली यहां कौन आया जिसने महेश को मार दिया? तुझे तो खुश होना चाहिए कि महेश मर गया। अब घर चल, मुझे रॉकी का पता लगाना है।
मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि महेश कैसे मरा। मुझे नहीं पता वो कैसे मरा। मैं शिव मंदिर में बेहोश थी, तो मुझे कैसे पता होगा? तुझे पता है, तू बताना नहीं चाहते। मैंने तेरे लिए कोई इंक्वायरी काउंटर नहीं खोल रखा है। अब हट, जाने दे मुझे। मेरे सवाल का जवाब दे। भूल मत के नागमणि के लिए हम सब एक साथ लड़ रहे हैं, फिर भी नागमणि हमारे पास नहीं है। इसी सवाल का मुझे जवाब चाहिए शीशा, कि नागमणि कहाँ है अगर महेश मर गया तो? पता कि बेहोश होने से पहले यहाँ क्या हुआ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक नागिन पे वार किया, अब बच नागिन के पास से। चाहूं तो एक ही डंक में महेश की तरह तुझे भी मार सकती हूं। पता? मुझे नहीं पता कि नागमणि कहां है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि किसे पता होगा। अब अगर तूने मुझ पे विश्वास नहीं किया और मुझे जाने नहीं दिया, तो तुझे यह भी नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या पता है। बता कौन है और किसे क्या पता है? शिवांगी। शिवांगी यहां क्या कर रही थी? वो महेश को ढूंढ रही थी, क्योंकि महेश ने रॉकी को मारा। इसका मतलब वो महेश के बारे में जानती थी? नहीं, उसने मुझसे सिर्फ यही कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड महेश ने रॉकी को मारा है। उसे ये नहीं पता कि महेश कौन है। वो महेश को ढूंढने में मेरी मदद कर रही थी। शेषा तू पागल हो गई है। शिवांगी जैसी एक मामूली लड़की महेश को ढूंढने में एक नागिन की मदद कर रही थी। झूठ बोल रही है ना? देख मक्की, ज्यादा दिमाग मत लगा। वो मेरी तरह रॉकी से प्यार करती है, इसलिए महेश को ढूंढने के लिए मैंने उसकी मदद ले ली। इसका मतलब वो जानती थी कि तू नागिन है। तू सच में पागल हो गई है। महेश को ढूंढने के लिए मैंने जो कुछ भी किया, मैंने उसे देखने नहीं दिया। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो वो यहाँ नहीं थी, तो बता कहाँ है वो? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। मुझे बस ये पता करना है कि नागमणि कहाँ है, ताकि उस नागमणि से मैं रॉकी की जान बचा सकूं। मधुमक्खियों की बताओ कि शिवांगी कहां है? रॉकी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे रॉकी को नागमणि या तुम्हारी जरूरत है। शिवांगी, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। आ रही हूं मैं। शेषा और अवंतिका ने बताया कि शिवांगी ने महेश को, लेकिन लेकिन शिवांगी महेश को कैसे मार सकती है? अब बहू कहां चली गई थी तुम? हाँ, कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूं, कहां थी तुम? पंचनेर, हम पंचनेर की हवेली गए थे। बड़ी माँ, वो एक्चुअली सोचा एक वेकेशन ले ले हम, तो छोटी सी छुट्टी मनाने पंचनेर चले गए। रॉकी भी झूठ बोल रहा है, कुछ पता नहीं किसको कितना पता है, लेकिन पहले शिवांगी से पता करती हूँ। अब बहू प्लीज एक कोल्ड कॉफी बना दो ना, जब से उठी हूँ सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों नहीं बड़ी माँ, मैं चेंज करके अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब ये यामिनी क्या करने वाली है? आओ ना, जल्दी से कोल्ड कॉफी बनाओ। सॉरी रॉकी, मुझे अभी भी याद है जो पिछली बार तूने मुझे कोल्ड कॉफी बनाकर दी थी ना, देख अभी उसका स्वाद यहीं पर है। अरे देख क्या रही है, जल्दी से कोल्ड कॉफी बना ना, मैं अभी आई। कहाँ गायब हो गई ये काली नागिन? देख काली नागिन, मैंने अपना काम कर लिया, जा अपना काम कर।
इसे नीचे रखो। इतनी देर तक तुम कहां थी? रॉकी को इतनी चोट लगी थी, वो इतना जख्मी था, तुमने भी देखा था और मैंने भी, और महेश ने मुझसे ये तक कहा था कि उसने रॉकी को मार दिया है। एक बात बताओ स्वीटहार्ट, अब रॉकी को एक खरोच तक नहीं, वो सही सलामत घर आ गया है। कैसे, क्या किया तुमने? मैंने उसे ठीक कर दिया। क्या, कैसे? नागमणि से, नागमणि से मैंने रॉकी के सारे जख्म भर दिए, वो बिल्कुल ठीक हो गया। नागमणि? किसने दी तुम्हें वो नागमणि? वहां मंदिर में कोई आया था, उसने मुझे नागमणि दी। मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, मुझे बहुत चोट लगी थी और मैं बेहोश हो गई, वही मुझे होश में लेकर आया और फिर मेरे हाथों में नागमणि थी। कौन था वो? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, बहुत अंधेरा था वहां, न जाने आदमी था या औरत थी। जीन्स और एक रेड हुडी पहनी हुई थी उसने, उसी ने मुझे नागमणि दी। मुझे नागमणि की शक्तियों के बारे में पता है, मैं वहां एक पल नहीं रुकी, भागकर रॉकी के पास हॉस्पिटल पहुंची और नागमणि से उसे ठीक कर दिया। हाँ रुचिका, नागमणि की शक्तियों ने रॉकी को ठीक कर दिया, हमारी मेहनत रंग लाई, रॉकी अब ठीक है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वो सब काम आया। तो अब नागमणि कहाँ है? मुझे नहीं पता, वही आदमी, उसी आदमी को मैंने दोबारा हॉस्पिटल में देखा, रॉकी के ठीक होते ही वो मेरे पास आया और मेरे हाथों से नागमणि छीनकर भाग गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं इंसान के रूप में फरिश्ता कौन था। मैंने सोचा कि तुम मिलोगी तो तुमसे पूछूंगी, क्या तुम जानती हो वो कौन हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है, वो जो कोई भी था। रॉकी तो अब ठीक है ना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना? एक्सक्यूज मी, इसका मतलब वो नागमणि उस छट्टे कातिल के पास है और उसी ने वो नागमणि शिवांगी को दी, और उसने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों? उस मोटी को ही बोलती हूँ पता लगाने के लिए। अब वैलेंटाइंस डे है तो डांस फ्लोर तो बनता है। You and your stupid Valentine's Day. अंग्रेज चले गए लेकिन अजीबो गरीब डेज छोड़ के चले गए। हग डे, किस डे, स्लैप डे, पता नहीं क्या अजीब अजीब डेज यार। यार मैं क्या बोली थी? आज के दिन ना फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहिए। फ्रेंड्स? आज के दिन फ्रेंड्स नहीं, किसी स्पेशल फ्रेंड को इनवाइट कर, अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट कर। भाई वो क्या है ना, मेरी तो सारी गर्लफ्रेंड्स ही है, क्या बताऊं? तो मेरे लिए कौन सा डे होगा? लो भाभी आ गई, तू भाभी से ही पूछ ले। भाभी अच्छा हुआ आप आ गए, आप बताइए आज शाम को आपको क्या गिफ्ट चाहिए? सबकी खुशी, सब मिलकर एंजॉय करें, बस यही चाहिए। भाभी डोंट वरी, भैया आप ही के साथ रहेंगे, हाथों में हाथ रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल जैसे गोंद और कागज। एग्जांपल देने भी नहीं आता। डोंट वरी भाभी, आज शाम आप दोनों के नाम, हम आप दोनों को एकदम अकेला छोड़ देंगे। एक दूसरे के साथ अकेला छोड़ देंगे। लो रुचिका भी आ गई, आई एम श्योर महेश ने भी कुछ रोमांटिक सा गिफ्ट प्लान किया होगा रुचिका के लिए। नहीं, महेश ना इस घर में और ना ही मेरी जिंदगी में, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। That's absolutely right. वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, और रुचिका आज के बाद इस घर में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और महेश होना हो तुम हमारे साथ ही सेलिब्रेट करो, क्योंकि we all are with you. Yes, रुचिका, we all are with you and we all love you a lot. Love you too. और आज के दिन के लिए तो वी ऑल विल लव यू भाई, क्योंकि आज की पार्टी है भाई के नाम। वो ऑल राइट,
गुरुदेव, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद की। नागमणि को जहाँ होनी चाहिए थी वो वहीं पहुँच गई। मैं जानता था तू अपना वचन जरूर पूरा करेगी, अपने इष्ट की धरोहर को अपने इष्ट तक पहुँचा के ही रहेगी। नागमणि की वजह से रॉकी की जान बच गई, वरना मैं उसे खो देती। अंत भला तो सब भला। ओम नमः शिवाय। अच्छा हुआ तुम्हारे दुखों का अंत हुआ और तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई। मुझे आखिरकार खुशी मिल ही गई। सच में मिल गई? हाँ रुद्र, सच में। बिना अपनी माँ का इंतकाम लिए हुए? रुद्र। हाँ शिवांगी, तुम भूल गई हो कि तुम उस घर में क्यों गई। तुम भूल गई हो कि हम दोनों एक क्यों हुए थे। तुम भूल गई हो कि अभी भी उस घर में तुम्हारी माँ के कातिल हैं और मेरी पत्नी के हत्यारे हैं। तुम्हें बस याद है तो सिर्फ रॉकी। तुम रॉकी के लिए जीती हो, रॉकी के लिए मरती हो। जिन लोगों से तुम्हें नफरत होनी चाहिए थी उनसे तुम प्यार कर बैठी। तुम्हें याद भी है 8 में से 5 कातिल अभी भी जिंदा हैं। मैं कुछ नहीं भूली। नहीं भूली? हाँ शिवांगी, तुम एक अच्छी बहू हो, एक अच्छी भाभी हो और अब एक अच्छी पत्नी भी बन गई हो। लेकिन तुम भूल गई कि तुम एक नागिन हो और तुम उस घर में अपने इंतकाम के लिए गई हो। क्या होगा जब रॉकी को पता चलेगा कि तुम एक नागिन हो? तुम उस घर में अपना इंतकाम लेने आई हो, उसके परिवार की कातिल हो। तब क्या चुनोगी, अपना प्यार या फिर अपना इंतकाम? अब सोच क्या रही हो? तुमने तो अपना प्यार चुन लिया है। हाँ, अपना प्यार चुन लिया है मैंने। मैं रॉकी से प्यार करती हूँ पर मैं अपना इंतकाम नहीं भूली। मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगी। अपने माँ के सारे हथियारों को मार डालूंगी। 3 को तो मार चुकी हूँ, अब 4th की बारी, अब मानव की बारी। पर अपना इंतकाम पूरा होते ही मैं अपने आप को रॉकी के नाम कर दूंगी। एक इंसान से प्यार करने की सजा मिलती है तो मिले, मेरी शक्तियां चली जाती हैं तो जाए। मेरा इंतकाम पूरा होने के बाद मुझे इन शक्तियों की कोई जरूरत नहीं। नहीं शिवांगी, एक इंसान के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां कुर्बान करने नहीं दूंगा। तुम नाग लोक की हो, एक नाग के साथ खुश रहोगी मेरे साथ। तुम अपना इंतकाम पूरा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी जिंदगी रॉकी के नाम करो, अपनी शक्तियां उसके लिए कुर्बान करो। उससे ही पहले मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा।